ಹನಿ ನಯನಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದ ಪ್ರಿಯಂ ವಂದೇ ಭಕ್ತಿ ಜನಾಶ್ರಯಂ ಚ ವೇದಂ ವಂದೇ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಅಲಗ್ ಅನುಭೂತಿ ಹುಯಿ ಐಸಾ ಲಗ್ ರಹಾ ಜೈಸೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕಿಸಿ महापुरुष दिव्य आत्मा थी, उन्होंने साधना की थी। मुनियों ने बहुत सारी यात्राएं की हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम कई बार जाते थे, अमरनाथ जी की यात्रा की है। जो अनुभूति हमें कैलाश जी के दर्शन करके मिला, वह अनुभूति आज हमें यहाँ पे अंदर आ गई। का जो महत्व है वो संता का बताते हैं। ऐसे ही हमारे संत जो 2006 में महाराज जी, मैंने ऐसा तो कभी दफा आज तक देखे नहीं, ना सुनी मैंने, और ये देख के मुझे ऐसा लगा कि साक्षात भगवान है, विराजमान है। रंजन हुए यूपी बिहार के सब जगह बने बाकी हर जगह यहाँ सब द्वारा भोले बाबा शंकर तेरे कैलासों का अंत न पाया, तेरे कैलासों का अंत न पाया, अंत अंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत अंत तेरी माया। शिव कैलाशो की वासी भोली की धारों की राजा, शंकर शंकर हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे भोले बाबा का भी आप दर्शन कर सकते हैं महातपा गुफा में। एक ही गुफा में हरि और हर दोनों के दर्शन हो जाएंगे आपको। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनापतिं, वंदे सूर्यशशांकवहनिनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वेदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे शिवं शंकरं। सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं, भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृंगे विबुदातिसंगे तुलाद्रितुंगे किमुदा वसंतं, तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं, नमामि संसार समुद्रसेतुं, अवंतिकायां विहितावतारं। कैसे लग रहा है? अद्भुत आनंद आ रहा है कि क्या बताऊँ, जो आनंद है पहली बार हम आए और आपके माध्यम से ऐसे हमें अवसर मिला, या महादेव की कृपा हुई है कि हमें अवसर मिला। ये एकदम अद्भुत कृपा है। अब हम आ चुके हैं बाहर दूसरे गेट से। हाँ हाँ, आ जाइए। माँ तपा ऋषि गुफा के दर्शन कर चुके हमारे अयोध्या से आए हुए महाराज जी का, तो अब बताएंगे कैसी लगी यहाँ की गुफा, माँ तपा गुफा। जय श्री सीताराम। यहाँ आकर के एक अलग अनुभूति हुई।
ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर किसी महापुरुष जो दिव्य आत्मा थी उन्होंने साधना की थी और उनके द्वारा स्थापित जो भगवान वासुदेव नंदन की मूर्ति है, ऐसी मूर्ति भगवान कृष्ण की अन्यत्र शायद संभव हो। और यह अलौकिक दिव्य भूमि है, वैसे तो पूरा हिमालय का नक्शा दिव्य है, लेकिन जिन स्थलों पर किसी महापुरुष ने साधना की है उस स्थल पे उस साधना रूपी जो शक्ति विराजमान होती है उसका यहाँ प्रचुर रूप से भंडार है। ऐसा करना का यहाँ आने के बाद में जैसे इस गुफा में हम प्रवेश करते हैं ऐसा लगता है हम किसी अन्यत्र दुनिया में पहुँच गए हैं, और संसार से जो हमारा भूमंडल है वहाँ से अभी थोड़ी देर पहले तक के हमारा किसी प्रकार का मन मस्तिष्क में संपर्क नहीं था। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बहुत ही किसी सिद्ध महापुरुष की तपोस्थली रही है जिनकी आज भी साधना यहाँ पे विद्यमान है। भक्त हैं जो हरिद्वार से हैं, ये भी अपना अनुभव बताएंगे। महाराज जी, मैंने ऐसा तो कभी गुफा आज तक देखी नहीं ना सुनी मैंने, और देख के मुझे ऐसा लगा कि साक्षात भगवान है विराजमान है। और ये ऐसी चीज है कि जो देखने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जो आपने भगवान जी के जैसे दर्शन कराए। और मैं कहता हूँ कि साक्षात भगवान यहाँ पे विराजमान है, इनकी कृपा बनी रहे सब पे और इनका आशीर्वाद हमेशा रहे और दोबारा दर्शन दें। धन्यवाद। ये पांडे जी आए हुए हैं अयोध्या से, ये भी अपने अनुभव बताएंगे। हमने अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं की हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम कई बार जा चुके हैं, अमरनाथ जी की यात्रा किए। जो अनुभूति हमें कैलाश जी पे दर्शन करके मिला वह अनुभूति तो आज हमें यहाँ पे अंदर आके पहुँच के मिला, इस गुफा में आके इस दर्शन करके। यहाँ एक अलग ही ऊर्जा है, यहाँ पहुँच के लगा कि हाँ कोई यहाँ आज भी कोई साधना कर रहा है इस गुफा में, बहुत ही अच्छा लगा। और हम बार बार आपको धन्यवाद देंगे कि ऐसे जगह पे आज हम आप हमें लेकर आए, इसके लिए मैं बार बार आभारी हूँ आपका। और हमारे माधव भट्ट जी हैं, ये भी कुछ बताएंगे, तो यहीं के ही हैं, आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। सर्वप्रथम मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और संतों की कृपा हमेशा इस हिमालय में रही है, संतों की ये तपस्थली रही है, और यहाँ कई वर्षों से संतों ने तपस्याएं करी है, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने यहाँ जन्म लिया है। लेकिन हमारे जो यहाँ का जो महत्व है वो संत आकर बताते हैं। ऐसे ही हमारे संत जो 2006 में शंकर स्वामी जी ने इस गुफा की खोज करी थी, और उसके बाद उस गुफा को जो पूरे देखभाल कर रहे हैं हमारे स्वामी जी आनंद गिरी जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से हमको अपने ही घर में हमें पता नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास कितना बड़ा खजाना है, कितनी बड़ी हमारे पास संपदा है, कितनी बड़ी देवताओं की संपदा है। तो उन संपदाओं से साक्षात्कार करवाने के लिए संत लोग समय समय पर अपने हस्ताक्षर देते हैं। आपने हमारी इन गुफाओं को, इन मंदिरों को, इन मठों को दुनिया के सामने आप उजागर कर रहे हैं, उसके लिए पूरा उत्तराखंड, पूरा उत्तरकाशी, पूरा बड़हाट, ज्ञानजा, साल्ड, बसुंगा, मग्याल गांव, पाटा, संग्राली, आप जितने भी हमारे 8 गांव हैं, इन गांवों की ओर से हम आपको प्रणाम करते हैं, सत सत नमन करते हैं। और हमारे लायक जो भी यहाँ पे सेवा बन सकती है, जो हम लोग यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, आपका मार्गदर्शन से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपके श्री चरणों में प्रणाम। तो आप लोगों ने भक्तों के अनुभव सुने, महाराज जी के भी अनुभव सुने जो आए हुए हैं अयोध्या से। तो ऐसे दिव्य जगहों के बारे में हमने देखा है कि हम जहाँ पे रहते हैं उसी के बारे में ही नहीं जानते हैं। अभी हम कई लोगों से मिले हुए हैं तो उनको भी यहाँ के बारे में पता नहीं है, यहाँ के बारे में क्या कई ऐसे फेमस मंदिर हैं उसके बारे में भी नहीं पता है। तो अगर हम ही अपने जो पुरातन मंदिर हैं, पुरातन जगहें हैं, उनका अगर प्रचार प्रसार और संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। आज देखेंगे कि हमारे जो हिंदू मंदिर हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं कई, लेकिन जब थोड़ा इसका प्रचार होता है तब लोग थोड़ा थोड़ा जुड़ना शुरू करते हैं, नहीं तो ये हिमालय क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे दिव्य जगहें हैं। तो आप जब भी उत्तरकाशी आएँ चारधाम यात्रा के दौरान तो इस दिव्य जगह के दर्शन करने ज़रूर आएँ।
यहाँ ज्ञानजा गांव के जो प्रधान जी हैं और भी जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी मेरा बस यही प्रार्थना है कि देखिए भक्त लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए तो कैसी जगह है, मतलब एक बार भी पैर फिसला तो नीचे जा कर के गिरेंगे। तो अगर इतने सारे कार्य हो रहे हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा रास्ता बने जिससे भक्त लोगों को कोई दिक्कत ना हो और भी लोग आए, पर्यटन को बढ़ावा मिले। जय श्री राम। हमारे अयोध्या के अभिनव पांडे जी जो अभी वन में विचरण कर रहे हैं, ऐसे ही आ जाओ सीधा, और उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। मंजिल तो मिल चुकी है पर रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जय राम सियाराम जय जय राम। दर्शन हो गए, अब चलते हैं जोगड़ गांव आश्रम। चलिए जोगड़ गांव में चलते हैं जहां पर महाराज जी की गाय उनका इंतजार कर रही है दूध लेने के लिए। पानी पीना है क्योंकि अभी धूप लग गई है तो उनको समय पे पानी पिलाना भी आवश्यक है। पारिसि जी के गुफा के दर्शन करके बसुंगा गांव आ चुके हैं, अब चलेंगे जोगड़ गांव आश्रम। अयोध्या वाले महाराज जी आ रहे हैं और आगे माधव भट्ट जी जा रहे हैं। थोड़ी चढ़ाई पड़ती है इसलिए दिक्कत होती है। भोजन की तैयारी हो रही है और पांडे जी लकड़ी जला रहे हैं, माधव जी वीडियो बना रहे हैं। चावल हो गया है, सब्जी अभी रखा हुआ हूँ और उबलने के बाद में उसको छौंक मार दूंगा, तब तक रोटी बन जाएगी। रोटी हम बनाते हैं, मैं रोटी मैं बनाऊंगा, आप बैठेंगे वहाँ पे आराम से, हम लोग बनाएंगे। जितनी मोटी रोटी रहेगी उतनी अच्छी रहेगी। अरे रोटी बनाने में 40 लोग लगे हैं। महाराज जी रोटी बना रहे हैं। और बड़ी बड़ी लोई लो, क्या टिक बना रहे हो? अब बड़ी बड़ी और बड़ी हो, इसका डेढ़ा करो। यह अद्भुत आश्रम है, बहुत आनंद आ गया यहाँ पे आके। 5-6 रोटी बनाओ बस, और मन करता है कि यहीं पूरा जीवन रह जाए। लंगर होता तो एक रोटी बना लेते, सारे आटे की एक रोटी। यानी जोगड़ गांव में हम लोग आ रखे हैं और विजयानंद महाराज जी के कुटिया पे हैं और यहाँ पर लकड़ी से हम लोग रोटियां बना रहे हैं। बहुत सालों बाद आज लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज हमारे अयोध्या से अभिनव जी, हमारे राजकुमार जी महाराज जी और हमारे विजयानंद महाराज जी जिनके पावन सानिध्य में हमें ये सौभाग्य मिल रहा है, ऐसी रोटियां बनाने का सौभाग्य। रोटी दूसरी रोटी कोई मांगे ना आता है, बड़ी बड़ी रोटी बनाती है। और ठेठ हमारे जो यूपी में जैसी रोटियां बनती हैं, टिक्कट व्यंजन होए यूपी बिहार के, कहलवा सब जगह बने रागी। अच्छा, हर जगह यहाँ हरिद्वारा बिहार में और यूपी में बहुत खाए जाते हैं। हालांकि ये बेस बिहार का है, बिहार से बाटी चोखा बिहार से निकला है, मसाले वाली बिहार से निकला है बाटी चोखा, और वो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में फैलल बा। जहाँ जहाँ बिहारी हैं सब जगह ही बाटी चोखा अवश्य बनाए थे और लोग देख देख कर पसंद करेंगे और लोग भी बना रहे हैं। तो का हम आज बाटी चोखा खाए बा? हम लोग तो बाटी चोखा हम लोग तो पहले खावा जाता, आज खावा जाए, आज बाटी चोखा खावे खावे पक्का। आप खवाए, अब आपको खवाई जाए। उन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।